हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नई राजस्थानी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन के बेले की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बेले बनाने के लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून तेल और 1/4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सख्त आटा लगा लेंगे। देखिए, हमने आपके साथ राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी की रेसिपी भी शेयर की है। अगर आपने वो नहीं देखी है और हमारी शेयर की हुई बाकी की राजस्थानी रेसिपीज़ भी आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मीडियम हार्ड आटा लगाकर तैयार किया है। और अब इसमें से छोटा सा पोर्शन लेकर, तो इसमें से बेले बनाने के लिए छोटा सा पोर्शन लेके हाथों से इसे रोल करेंगे और इसके पतले और छोटी साइज़ के बेले बना लेंगे। और बाकी का जो आटा है उसमें से भी हम इस तरह पतले और छोटी साइज़ के बेले बना लेंगे। तो अब हम इनको बॉईल करेंगे और हमने 4 कप पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है। पानी अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेले। इसे एक बार चला लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए, इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे। तो हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके हमने मीडियम फ्लेम पर इन बेलों को 10 मिनट के लिए और बॉईल कर लिया। तो बेले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम सब्जी के लिए मसाला भून लेंगे। तो एक पैन में हमने 3 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, साथ ही में ऐड कर देंगे 2 चुटकी हींग और इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है और प्याज को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और 1/4 कप पानी ऐड करके
लो फ्लेम पर इन मसालों को 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए, इस सब्जी को बनाने के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका तेल सरफेस पर आने लगा है और मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हमने जो बेले बॉईल करके रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। तो जिस पानी में हमने इनको बॉईल किया है उस पानी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर करके कुछ देर तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और पका लिया। तो यहाँ पर बेले की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, हमने इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ ऐसा रखा है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो खाने के लिए तैयार है राजस्थानी बेले की सब्जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।